इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है। राम नगरी में राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस सूचना के बाद राम नगरी में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अयोध्या में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। जनकपुर से देवशिला लेकर बुधवार की देर रात यात्रा अयोध्या पहुंची थी, जिसका पूजन गुरुवार की सुबह हुआ। इस बीच राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की सूचना से अयोध्या पुलिस हरकत में आई और अयोध्या की सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। राम जन्मभूमि से सटे हुए रामलला सदन मंदिर में निवास करने वाले मनोज कुमार के फोन पर सुबह 5:30 बजे एक फोन आता है। इस कॉल में कॉलर कहता है कि सुबह 10 बजे तक राम जन्मभूमि को बम से उड़ा देगा, जिसके बाद मनोज कुमार ने इसकी सूचना थाना राम जन्मभूमि को दी। मनोज कुमार इस समय प्रयागराज में कल्पवास कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। जिस नंबर से फोन आया था उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा खुफिया विभाग भी अलर्ट है। मालूम हो कि राम नगरी में इन दिनों उत्सव का माहौल है। भगवान रामलला की मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल के जनकपुर से यात्रा अयोध्या पहुँची है, जिसका भव्य स्वागत हुआ है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने प्राथमिकी जरूर दर्ज की है, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह ने बताया कि रामलला सदन के व्यक्ति जो इस समय प्रयागराज में कल्पवास कर रहे हैं, उनके पास किसी अज्ञात नंबर से सुबह 5 बजे से 5:30 के बीच में फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा दिया जाएगा, जिसकी सूचना उन्होंने थाना राम जन्मभूमि पुलिस को दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस नंबर की जांच में जुट गई है।